हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 मैथमेटिक्स, आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन है और मैं आपको चैप्टर वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट करवाता चल रहा हूँ। एक वीडियो मैंने प्रोबेबिलिटी पे अपलोड किया हुआ है और एक वीडियो मैंने मॉडल सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ अपलोड किए। अगर आपने देखिए वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो मेरे चैनल पर जाकर सारे के सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस भी कर दिए अच्छे तरीके से। और रहा यूट्यूब, देखिए यूट्यूब किसी को नोटिफिकेशन भेज नहीं रहा, चाहे मैं आप सभी बच्चों को सोचता हूँ कि लगातार एक एक घंटे बाद वीडियो चलो, लेकिन देखिए यूट्यूब का नोटिफिकेशन जा नहीं पाता, रीच ही नहीं है यूट्यूब का, इसलिए देखिए वीडियो अपलोड करना यहाँ पर मुश्किल होता चला जा रहा है। तो मैं ट्राई करूंगा फिर भी कि आप सभी बच्चों को जल्द से जल्द जितना इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन है वो मैं कराता चलूँ, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते चले, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो ये आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है। आइए वीडियो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। देखिए एक आपको सवाल आएगा, कोऑर्डिनेट निकालना है एक लाइन। आपने ये सवाल जो क्लास 10 के कक्षा में जरूर पढ़ा होगा, अगर आप सीबीएसई मीडियम से तो आपने आराम से पढ़ा होगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड। देखिए दो पॉइंट आपको दिए ए और बी को, कोई हमें निकालना है किसी पॉइंट को, वो उसके कोऑर्डिनेट निकालने जो उस लाइन कितने 4:3 रेशियो में क्या कहते हैं डिवाइड करता है। हमें नहीं मालूम उस कोऑर्डिनेट क्या है, तो पहला बात हम लोग मान लेते हैं कि जो भी कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का, एक पॉइंट आर मान लेते हैं, वो क्या करता है जो हमारे हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसे क्या एक्स वन वाई वन में क्या डिवाइड करता है। अब हमें मालूम है कि जब हमें क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला मालूम होगा तीन, हमें तीनों एक्स वाई एक्स प्लेन वाई प्लेन जेड प्लेन तीनों के लिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई सब कुछ मालूम है, बस हमें वैल्यू बैठा देना है। ए मालूम है, बी मालूम है, ए के जगह हम लोग एम के जगह क्या मानेंगे वो भी मालूम है, 4 रख देंगे, एन के जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। डाटा को बैठा दीजिएगा 4 × -4 प्लस 3 × 3 बाई 4+3, क्योंकि नीचे हर बार 4+3 कॉमन होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा -7/7, काट देंगे -1, 2 और 1, यही वो पॉइंट है जो क्या कर रहा है, दोनों पॉइंट डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो 4:3 के रेशियो में उस लाइन को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, लेट ए, दो पॉइंट हमें दिए हुए, हमें क्या करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। हमें लाइन सेगमेंट ए बी का ट्राइसेक्शन पॉइंट को क्या करना है ज्ञात करना है, हमें नहीं मालूम हमें निकालना है, सीधा सीधी बात है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि उस कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या एक्स है, एक्स वन वाई वन जेड वन, सेम फॉर्मूला बैठा देंगे। कौन से, देखिए पहला बात पॉइंट ए दिया हुआ, पॉइंट बी दिया हुआ हमें, ठीक है, हम लोग मान लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से m का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या रख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट की लिखा गया है कि m के जगह हम लोग क्या रख देंगे 2 रख देंगे, n के जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, ठीक है। उस पॉइंट को क्या करें दो भागों में बटा, 2:1 के रेशियो में बटा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए सारा का सारा जो वैल्यू है सेम इसी तरह जैसा डाटा दिया हुआ था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस वैल्यू को क्या करना है आपको बनाते चलना। ट्राइसेक्शन मतलब पॉइंट को देखिए इक्वल रेशियो में बांटेगा, जैसे मान लीजिए एक बीच का पॉइंट एक डबल होगा, इसलिए 2:1 के रेशियो में बांटा गया, याद रखिए, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा हुआ चैप्टर तो ही आपको समझ में आया ये 2:1 आया कहाँ से रेशियो, ठीक है, क्योंकि ट्राइसेक्शन पॉइंट बोला गया, ये 2:1 के रेशियो हमेशा बटा हुआ रहता है, इसलिए देखिए हमने यहाँ क्या किया सॉल्व किया 2+1 2+1 सेम जिस तरह इनटू था, जहाँ जहाँ वैल्यू था एम के जगह 2 रख दिया, एन के जगह 1 रख दिया, एक्स टू के जगह जो हमारा डाटा दिया होता ये हमारा एक्स वन है, ये वाई वन है, जेड वन है, एक्स टू है, वाई टू है, जेड टू है, उठा के बस वैल्यू तो देखिए रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 4 - 5, 1 आ जाएगा, ट्राइसेक्शन पॉइंट हो जाएगा लाइन ए बी का, ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारा, और ये तो पेपर में एकदम छपेगा कि आपको पॉइंट दिया जाएगा, या तो आपको कोई लिनियर प्रूफ करने दिया जाएगा या फिर आपको प्रूफ किया जाएगा कि आपको तीन पॉइंट दिए, आपको क्या करना है एक ऐसा रेशियो निकालना है जो क्या कर रहा है, एक आप मैंने जितने क्वेश्चन दिया हुआ पी क्यू आर तीनों कोई लिनियर बता दिए, कोई लिनियर बता दिए, ठीक है, चलिए एक ऐसा रेशियो निकालना है जिसमें क्या कर रहा है क्यू डिवाइड करता है पी आर को। तो पहला बात हमें क्यू को मान लेंगे एंड है, ठीक है, गलती से टाइपिंग गलत है, यहाँ पर एंड होगा, यहाँ पर 5 4 6 दिया हुआ है और दोनों लाइन सेगमेंट P और क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, किस रेशियो में बांटता है, चलिए मान लेते हैं K:1 के रेशियो में बांटता है, क्यों ट्राइसेक्शन पॉइंट तो बोला नहीं है कि 2:1 मान लेंगे वहां पर। सेम इसी तरह देखिए यहां पर हमें वैल्यू दिया हुआ है, सेक्शन फॉर्म लगाने जाएंगे तो 5 4 -6 दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला बैठाएंगे, यहाँ पर 9K+3 आ जाएगा, यहाँ पर 8 एक एक करके क्या कर सकते चाहे तो बराबर कर सकते हैं, 9K+3 और K+1 का वैल्यू 5 होगा, सॉल्व कर देंगे ये इधर जाएगा तो 5K+5 यानी K का वैल्यू 1/2, यानी जो पॉइंट Q है, देखिए क्यों हमने क्यों पकड़ा, क्योंकि ये पॉइंट P है, ये Q का है, ये R का, इसलिए हमने क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पर से हम लोग इस वैल्यू को क्या करते इक्वल कर दिया, तो इसलिए पॉइंट जो Q है उस पी आर को किस रेशियो में बांट रहा है तो 1:2 के रेशियो में उसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि दो आपको पॉइंट दिए हुए पी और क्यू x1 y1 x2 y2, पी क्यू क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हुआ और एक बार किस दिया हुआ पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए पहला बात तो डिस्टेंस फॉर्म मालूम होगा x2 - x1 / y2 - y1 रूट अंडर रहता है। अब देखिए यहाँ पर पहला केस जब बोल रहा है पी क्यू जो है पैरेलल है वाई एक्सिस के, मतलब क्या होगा जब वाई एक्सिस के पैरेलल तो वाई तो पूरा 0 होगा, ठीक है,
तो एक्स वन और एक्स टू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बस बचेगा क्या वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो मॉड के रूप में आ जाएगा। सेम इसी तरह जब एक्स एक्सिस के वो पैरेलल होगा तो वाई को क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। अगला ये सवाल देखिए मॉडल सेट में भी आया हुआ है, अब बेहतरीन सवाल है, एक बार फिर से करवा दे रहा हूँ ताकि आपसे बचो रिविजन हो जाए। एक पॉइंट निकालना हमें एक्स एक्सिस पे जो क्या है इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट से, दो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है समान दूरी है दोनों पॉइंट से अगर इस पॉइंट निकाला जाए तो। ठीक है, तो पहला बात हमें उस पॉइंट का वैल्यू मालूम नहीं, हम लोग अपने मन से क्या मान लेते हैं ए जीरो मान लेते हैं उस पॉइंट के एक्स एक्सिस पे वैल्यू, और एक्स एक्सिस पे आपको मालूम होगा कि वाई जीरो था इसलिए हमने वाई को जीरो रखा हुआ है। अब सेवन सिक्स और थ्री फोर है, डिस्टेंस फॉर्म बैठा देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई वाई टू माइनस वाई होल स्क्वायर, और इधर सेम बैठा देंगे किसका कि y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई होल स्क्वायर, और दोनों डाटा क्या है बराबर है, इसे a माइनस बी का वैल्यू बैठा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म बैठाएंगे, इस तरह सेट होगा दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, सॉल्व कर देंगे एट ए बराबर सिक्सटी है, ए से a का वैल्यू फिफ्टीन बाई टू, तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है या फिर जिस पॉइंट की जरूरत है उसका वैल्यू क्या हो जाए फिफ्टीन बाई टू कॉमा जीरो। ठीक है, अगला हमें निकालना है कि x का वैल्यू है, तीन पॉइंट आपको दिए हुए हैं, x के किस वैल्यू के लिए तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे। तो पहला बात आपको मालूम होगा कि जब भी आपको दिया हुआ xy प्लेन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो याद रखिए स्लोप ऑफ लाइन AB और स्लोप ऑफ लाइन BC दोनों क्या होता है बराबर होता है। सेम फॉर्मूला बैठा दीजिएगा आराम से निकल जाएगा आपसे, क्या मैं मानकर चलो कि आपको आप बन सकता है कि फॉर्मूला बैठा के निकाल दीजिएगा। हमें पहले ए बी निकालना है तो ए बी दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग ए बी निकाल दीजिएगा, इसी तरह क्या निकाले बी सी ने दोनों का स्लोप को इक्वल कर देंगे बस निकल जाएगा डाटा हमारा, एक्स का वैल्यू वन आ जाएगा, इसी वैल्यू के लिए क्या होगा ये दो ये जो तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारा कि आपको दिखाना, देखिए एक सवाल याद रखिएगा आपको पूछा जा सकता है पैरेलोग्राम का, एनसीईआरटी में देखिए मोस्टली आपको पैरेलोग्राम का सवाल भी दिया हुआ है, स्क्वायर पूछा जा सकता है, रेक्टेंगल पूछा जा सकता है, कैसे दिखाइएगा, तो तरीका जान के रखिए कि आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, विदाउट प्रॉपर्टी आप इस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे आपको चार पॉइंट दिए बोला है कि ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस से मतलब शीर्ष हमें प्रूव करना है, तो तीनों पॉइंट को तो एक्स वन वाई वन जेड वन मान लेंगे। ठीक है, एक बार लेंथ ए बी निकालिएगा, एक बार बी सी, एक बार सी डी, एक बार ए डी निकालिएगा, चार निकाल दीजिएगा जिससे चार, क्योंकि हमारा स्क्वायर होता है वो चारों साइड बराबर होता है, एक ए बी सी डी हमने चार पॉइंट कंसिडर किया, चारों को हम लोग लेंथ निकाल, देखिए पहला ए बी निकालिएगा तो ए बी के जो निकले रूट एट्टीन, लेंथ बी सी निकाले रूट एट्टीन, रेंट सी डी निकालिएगा रूट एट्टीन, और लेंथ ए डी निकाल दीजिएगा तो ये। अब हमें क्या करना है डायगनल भी निकालना है, डायगनल क्यों निकालना है पहले बताते हैं, लेंथ ए सी निकालिएगा फिर लेंथ बी डी निकालिएगा, और हम लोग जानते हैं याद रखिएगा कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं आपको मालूम होगा, बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर के चारों साइड बराबर तो ठीक है, और स्क्वायर का डायगनल जो भी होता है वो भी, क्योंकि अगर आप रोम्बस से तुलना करने जाइएगा रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर के, तो इससे हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते कि वो स्क्वायर है, तो हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे कि जो लेंथ ऑफ डायगनल ए सी है और लेंथ ऑफ डायगनल बी डी, इसका भी देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, यानी जो भी हम फिगर की बात करें वो हमारा फिगर क्या है एक स्क्वायर है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा एक स्क्वायर का, और इसी तरह करके देखिए आपको प्रूफ करना है, चाहे कुछ भी बोला जाएगा आपको दिखा सकते हैं। अब आशा करता हूँ कि देखिए अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, स्टेट लाइन का सवाल हो एक वीडियो में इलिप्स पे लेके आऊंगा, इलिप्स चैप्टर से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारा का सारा आपको एक वीडियो में कवर कर दूंगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब का नोटिफिकेशन जा नहीं रहा किसी के पास, और अगर आपको भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए कि मॉडल सेट के अलावा सर कुछ अलग सवाल करवा दिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वही देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी हो आप जिस भी बुक से पढ़ते हो आपके टीचर में जैक बोर्ड ने पढ़ाया होगा, हर सवाल मुश्किल पढ़ाया जाता है उसी सवाल के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाते चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।